असल स्टूडेंट्स आई एम वसीम कराम दिस इज़ द एटीन लेक्चर इन ए सीरीज़ ऑफ़ फोर्टी फाइव लेक्चर्स ऑन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन कैसे हैं आप इनशाला अच्छे होंगे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन शुरू की थी मल्टीप्लेक्सेज पर मल्टीप्लेक्सेस हमने बताया था डाटा सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं आज भी उस पे पर डिस्कशन कॉन्टिन्यू रहेगी पर इससे पहले लेटस टॉक अबाउट द टॉपिक्स विच वी डिस्कस इन दास्ट लेक्चर इन द लास्ट लेक्चर वी टॉक अबाउट डी कोडर्स डी कोडर्स क्या हैं बेसिकली हमने एक एप्लीकेशन जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डिवाइस सिलेक्शन की कंप्यूटर सिस्टम में या किसी डिजिटल सिस्टम में डिफरेंट डिवाइस होती हैं उनको कैसे सेलेक्ट करेंगे यूजिंग ए डी कोडर बेसिकली डी कोडर क्या है उसके कुछ इनपुट्स हैं कुछ आउटपुट्स हैं इनपुट पे एक थ्री बिड कोड या फोर बिड कोड या टू बिड कोड आप अप्लाई करेंगे उसकी वजह से आउटपुट पे एक आउटपुट पिन सेलेक्ट हो जाएगी वो अगर आउटपुट पिन आप किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दें उसके चिप इनेबल के साथ तो वो डिवाइस सेलेक्ट हो जाएगी सो इन द लास्ट लेक्चर वी टॉक्ट अबाउट ए थ्री टू एट डिकोडर थ्री टू एट डिकोडर क्या है बेसिकली उसके तीन इनपुट्स हैं और आठ आउटपुट्स हैं अगर आप कोई भी थ्री बिट कोड अप्लाई करें इनपुट पे उसकी वजह से एक करस्पोंडिंग आउटपुट सेलेक्ट हो जाएगा फॉर एग्जांपल जीरो वन जीरो आप अप्लाई करते हैं सो आउटपुट टू सेलेक्ट हो जाएगा क्योंकि जीरो वन जीरो रिप्रेजेंट्स द कोड टू इसी तरह अगर वन 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 अप्लाई करते हैं विच रिप्रजेंट सेवन दैवंथ आउटपुट वुड बी सिलेक्टेड अगर आपको मज़ीद आउटपुट्स चाहिए थ्री टू एट डी कोडर में सिर्फ आठ आउटपुट्स हैं अगर सोलह आउटपुट चाहिए फिर क्या करेंगे बेसिकली आप दो थ्री टू एट डी कोडर जो हैं उनको आप मिला के जोड़ के एक फोर टू सिक्सटीन डी कोडर बना सकते हैं सो उसके चार इनपुट्स होंगे एक फोर बेट बाइनरी कोड अप्लाई करेंगे उनमें से एक आउटपुट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद हमने बात की थी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन थी Uh, हम अगर डी को यूज़ करें उससे एक फंक्शन भी जनरेट कर सकते हैं सो अगेन वो थ्री टू एट डी की अगर एग्जांपल लें उसमें सो लेट्स से ज़ीरो वन जीरो अप्लाई करते हैं जीरो वन ज़ीरो से क्या सिलेक्ट हो रहा है सेकंड आउटपुट सिलेक्ट हो रहा है वन 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 अप्लाई करते हैं क्या हो रहा है सेवनथ आउटपुट सिलेक्ट हो रहा है सो लेट से पोज के हमारे पास एक बोलियन एक्सप्रेशन है जिसमें मिनटम टू और मिनटम सेवन है सो so, हम क्या करेंगे डी कोटर जो थ्री टू एट डी कोडर है उसके आउटपुट का जो सेकेंड uh, पिन है सेकंड आउटपुट है और जो सेवन्थ आउटपुट है उन दोनों को एक और गेट के थ्रू कनेक्ट कर देंगे सो वेन एवर वी अप्लाई द इनपुट टू और सेवन एट द इनपुट ऑफ द डी कोडर और गेट आउटपुट वुड बी ए वन सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं एस जो एक्सप्रेशन है बुलियन एक्सप्रेशन है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यूजिंग द थ्री टू एट डी कोडर इसी तरह जो है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डिकोडर के साथ इसके बाद हमने बात की थी बी सी डी टू सेवन सेगमेंट डी कोडर बी सी डी टू सेवन सेगमेंट डी थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी डिकोडर से बाकी डिकोडर में तो एक आउटपुट सेलेक्ट हो रहा है बी सी डी टू सेवन सेगमेंट डी कोडर में मल्टीपल आउटपुट्स एक्टिवेट होते हैं सो so, हमने ये कहा था कि अगर आपने डिजिट सेवन डिस्प्ले करना है तो आप बी सी डी सेवन का कोड इनपुट पे अप्लाई करेंगे और जो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स हैं जिनको ऑन होना चाहिए वो एक्टिव हाई हो जाएंगे वन हो जाएंगे उसमें सो बी सी डी टू सेवन सेगमेंट डी कोडर्स के अगेन मल्टीपल इनपुट्स हैं मल्टीपल आउटपुट्स हैं पर मल्टीपल आउटपुट्स एट ए टाइम एक्टिवेट होते हैं जो कि बाकी डिकोडर्स में नहीं हो रहा है बी सी डी टू सेवन सेगमेंट डी कोडर हमने शुरू में याद हो एक्सप्रेशन निकाली थी हर सेगमेंट के साथ तो आप जो है सिंपल एंड और इन्वर्टर के साथ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सात सर्किट्स फॉर ईच ऑफ दी सेवन सेगमेंट्स हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि आपके पास अगर एम एस आई जो है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड फॉर्म में भी एक बी सी डी टू सेवन सेगमेंट डी कोडर है जो ज़्यादा ऑप्टिमाइज है अगर आप बोलियन एक्सप्रेशन देखें जो हमने डिराइव की थी मुख्तु सेगमेंट के लिए उसमें बहुत सारी टर्म्स कॉमन हैं सो ये जो एम एस आई फॉर्म में बी सी डी टू सेवन सेगमेंट डी कोडर है ये ऑप्टिमाइज हैं जो कॉमन टर्म्स हैं उनको निकाल दिया हुआ जो एक आखिरी हमने डिकोडर देखा था वो था बी सी डी टू डेसिमल डी उसी तरह जो बाकी हैं इनपुट जो है चारपिट है बी सी डी है आउटपुट जो है दस आउटपुट्स हैं डेसिमल सो आप ज़ीरो से नाइन कोई फोर बेट नंबर अप्लाई करेंगे इनपुट पे uh, दस आउटपुट हैं उनमें से एक आउटपुट लाइन एक्टिवेट हो जाएगी आफ्टर द डी कोटर्स वी टॉक्ट अबाउट इनकोडर्स इनकोडर जो है बेसिकली इट्स दी ऑपोजिट ऑफ डी कोडर के मल्टीपल इनपुट्स हैं और मल्टीपल आउटपुट्स हैं सो लट से एक एट टू थ्री इनकोडर है एट टू थ्री के आठ इनपुट होंगे थ्री आउटपुट्स होंगे काम कैसे करता है बेसिकली आपने आठ में से किसी एक इनपुट को एक्टिवेट करना है जो भी इनपुट एक्टिवेट करेंगे उसके आउटपुट पे उसका कोड आ जाएगा सो लेट्स से आपने थर्ड इनपुट एक्टिवेट किया है आउटपुट पे ज़ीरो वन वन आ जाएगा इंडिकेटिंग दैट दी थर्ड इनपुट हैज़ बीन सिलेक्टेड इसी तरह लेट्स से आप फिफ्थ इनपुट सेलेक्ट करते हैं तो आउटपुट पे वन जीरो वन कोड आ जाएगा रिप्रेजेंटिंग द इनपुट फाइव सिंपल uh, जो इनकोडर है उसमें हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी अगर आपके साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा इनपुट सेलेक्ट हो जाते हैं लत से दूसरा वाला और छठा वाला सिक्स जो है वो अगर इनपुट सेलेक्ट हो जाते हैं तो कोड क्या आएगा बेसिकली दोनों का कोड इकट्ठा आएगा सो सेकेंड इनपुट का कोड क्या आना चाहिए ज़ीरो वन ज़ीरो आना चाहिए सिक्स का क्या आना चाहिए जीरो वन वन आना चाहिए तो so, रिजल्ट uh, क्या आएगा ज़ीरो वन वन आएगा विच इज़ इनकोरेक्ट तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हमने क्या बात की थी हमने कहा था कि प्रायोरिटी इन इनकोडर्स होंगे प्रायोरिटी इन इनकोडर्स बेसिकली हर इनपुट की एक प्रायोरिटी असाइन कर दी है वो कैसे की है हमने एक बोलियन एक्सप्रेशन डिराइव की थी तो उसके थ्रू एक हम प्रायोरिटी असाइन कर रहे हैं सो so, जो सेवंथ इनपुट लाइन है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिक्स एंड सिमिलरली सिक्स की पार्टी जो है फिफ्थ से सो लत से सिक्स एंड टू दो इनपुट्स जो है, simultaneous select की हैं सल्टेनियसली सेलेक्ट किए तो सिक्स इनपुट का कोड आएगा सेकेंड का नहीं आएगा इसी तरह हमने बात की थी कि अगर आपके पास दो इनकोडर्स हैं लेट्स से एट टू थ्री और आप सिक्सटीन टू फोर बनाना चाह रहे हैं वो कैसे करेंगे बेसिकली आप टू एट टू थ्री इनकोडर्स को इकट्ठा जोड़ के आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सिक्सटीन टू फोर इनकोडर बना सकते हैं उसमें एक जो इंटरेस्टिंग इनकोडर uh, था वो था बेसिकली डेसिमल टू बीसीडी सी डी इनकोडर डेसीमल टू बीसीडी सी इनकोडर के दस इनपुट होंगे चार आउटपुट्स होंगे सो so, उन दस में से कोई भी आप एक इनपुट सेलेक्ट करेंगे लेट्स से थर्ड इनपुट सिलेक्ट करते हैं आउटपुट पे क्या आएगा जीरो ज़ीरो वन वन क्योंकि फोर बेट आउटपुट है तो वो कोड आ जाएगा रिप्रजेंटिंग द इनपुट इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं बेसिकली हमने एक एप्लीकेशन स्टडी की थी एक की पैड है जिसमें डिजिट्स हैं ज़ीरो से नाइन वो आप लग से कोई भी डिजिटल सिस्टम है या कंप्यूटर है उसमें आप इनपुट डाटा करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे आपको एक की पैड या की बोर्ड कनेक्ट करना पड़ता है अब जो भी आप बटन दबाएँगे उसका एक फोर बिट कोड आना चाहिए जो कि आगे जो है डिजिटल सिस्टम प्रोसेस कर पाए उसमें So, uh, जो एक डेसिमल टू बी सी डी इनकोडर है उसका मेन पर्पस वही है कि आप एक की पैड उसके इनपुट्स पे कनेक्ट कर देंगे जो भी की प्रेस करेंगे उसका कॉरस्पॉन्डिंग बी सी डी नंबर जो है आउटपुट पे आ जाएगा इनकोडर्स के बाद हमने मल्टीप्लेक्सर पे डिस्कशन शुरू की थी मल्टीप्लेक्सर हमने बताया था कि अगेन मल्टीपल इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट होता है कुछ सेलेक्ट लाइंस हैं इनपुट सेलेक्ट लाइंस हैं जिनकी मदद से हम कोई एक सा इनपुट सेलेक्ट कर लेते हैं और उस पर जो भी इंफॉर्मेशन है जो भी डाटा है वन है जीरो है वो रूट कर देते हैं आउटपुट पे सो so, इसीलिए हम कह रहे हैं कि मल्टीप्लेक्सर को एज ए डाटा सेलेक्टर भी कहा जाता है सो यू हैव मल्टीपल सोर्सेज और एक डेस्टिनेशन है हमने ये बताया था कि आपके पास अगर कंप्यूटर uh, है उसमें एक एल इंपॉर्टेंट सर्किट है उसके दो इनपुट होते हैं जो इंफॉर्मेशन जिन पे एल ने ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो डिफरेंट रजिस्टर्स पे या डिफरेंट स्टोरेज स्पेसेस में इंफॉर्मेशन uh, पड़ी हुई है सो so, आप कोई सी भी दो पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन उठा के आप कनेक्ट कर सकते हैं एल यू के इनपुट पे। सो उधर बेसिकली ये मल्टीप्लेक्सेस यूज़ हो रहे होंगे लेट्स से फोर स्टोरेज स्पेसेस हैं तो आपके पास एक फोर इंटू वन मल्टीप्लेक्सर uh, होना चाहिए जो चार इनपुट्स हैं वो चार स्टोरेज स्पेसेस के साथ कनेक्ट होंगे और जो आउटपुट है वो एलयू के इनपुट पर कनेक्ट होगा उसमें uh, पिछली दफ़ा हमने फ़ोर टू वन की बात की थी uh, उसके बाद हमने एक जो एम एस आई कमर्शली अवेलेबल चिप है वो देखा था बेसिकली उस चिप में दो फोर टू वन मल्टीप्लेक्सेज हैं सो उसके चार इनपुट हैं एक आउटपुट है दो जो हैं इनपुट सिलेक्ट हैं और एक चिप इनेबल है मल्टीप्लेक्स जो हैं डिफरेंट कन्फिग्रेशन में अवेलेबल हैं डिफरेंट टाइप के डिफरेंट साइज़ के डिफरेंट मल्टीप्लैक्स को आपस में डिफरेंट तरीक़ों से कोनेक्ट किया जाता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सो so, आज हम देखेंगे कुछ और कन्फिग्रेशन को और उनको आपस में कनेक्ट करके एक्सपेंड करेंगे लग से आपके पास फोर टू वन मल्टीप्लेक्सर है अगर आपको एट टू वन चाहिए सिक्सटीन टू वन चाहिए वो कैसे कैसेमेंट करेंगे दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि अगर लत से डाटा टाइप जो है वो मल्टीपल बिट का है आपने प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा डिफरेंट कोर्सेज में पढ़ा होगा कि जो इंफॉर्मेशन है वो हम बाइट uh, की फॉर्म में यूज़ करते हैं प्रोसेस करते हैं इट्स इट्स कलेक्शन ऑफ बिट्स बेसिकली या नेबल है चार बिट का एक कोांटिटी है या एट बिट की बाइट एक कोांटिटी है या, है, या वर्ड है या लॉन्ग वर्ड है सो लत से आपके पास बाइट्स uh, कहीं स्टोर हैं उनमें से एक आपने सेलेक्ट करनी है और उसको यूज़ करना है तो उधर कैसे सेलेक्ट करेंगे बेसिकली आपको एक मल्टीप्लेक्सर चाहिए होगा जिसके दो इनपुट होने चाहिए और हर इनपुट जो है एट बिट का होना चाहिए इसी तरह आउटपुट जो है वो एट बिट का होगा लेट स्टार्ट बाय लुकिंग एट ए टू इनपुट फोर बिट मल्टीप्लेक्सर टू इनपुट फोर बिट मल्टीप्लेक्सर क्या होगा कितने इनपुट्स होने चाहिए कितने आउटपुट्स होने चाहिए वेल इट्स ए इनपुट सो दैट मीन्स दो इनपुट हो सकते हैं दो डिफरेंट डाटा डाटाज आप कोलेक्ट कर कोनेक्ट कर सकते हैं मल्टीप्लेक्सर के इनपुट पर फोर बेट इनपुट दैट मीन्स दोनों जो इनपुट्स हैं वो फोर बेट ईच हैं सो दैट मीन्स टोटल इनपुट लाइन्स जो हैं वो आठ हैं आउटपुट कितनी है फोर बेट आउटपुट होगा इसके अलावा और कौन से पिन चाहिए बेसिकली एक सिलेक्ट इनपुट पिन चाहिए वो एक ही होगी अगर ज़ीरो होगा तो पहला इनपुट सिलेक्ट हो जाएगा अगर वन होगा दूसरा इनपुट सिलेक्ट हो जाएगा इसके अलावा एक जनरल चिप सिलेक्ट लाइन चाहिए होगी जो पूरे चिप को एक्टिवेट कर देगी या डीएक्टिवेट कर देगी सो लेट्स सपोज यू हैव टू फोर बेट क्वान्टिटीज एक जो क्वांटिटी है वो आप लेट्स से इनपुट ए पे अप्लाई करेंगे जो फोर बेड का है दूसरी क्वांटिटी जो है फोर बेड की वो आप इनपुट बी पे अप्लाई करेंगे बाई एक्टिवेटिंग दी सेलेक्ट इनपुट जीरो पे करेंगे जो ए क्वांटिटी है फोर बेड की वो आउटपुट पे आपके पास आ जाएगी अगर सेलेक्ट इनपुट वन रखेंगे जो बी पे फोर बेड क्वान्टिट्टी है वो आउटपुट पर आ जाएगी लेट इस हैव ए लुक एट टू इनपुट फोर बेड मल्टीप्लेक्स है उसका फंक्शन टेबल देखते हैं और उसका सर्किट देखते हैं let us have a look at the function uh, table of a 2 input 4 bit multiplexer in the input you see two columns g and s g represents the chip select it is active low so whenever it is 1 the chip is not selected whenever it is 0 the chip is selected s you input select though input may say a input select or b input select करेगे. सो so, अगर एस जीरो है इनपुट ए सेलेक्ट हो रहा है अगर एस वन है इनपुट बी सेलेक्ट हो रहा है uh, पहली रो में आपको नज़र आ रहा है कि जी जब वन है एस ज़ीरो हो जाए वन हो जाए इट डजेंट मैटर बिकॉज द चिप इज़ नॉट सलेक्टेड आउटपुट्स पे यू सी वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर वाई ये जो चार बिट्स हैं ये चार आउटपुट बिट्स हैं सो वेन एस इज़ ज़ीरो एंड जी इज़ ज़ीरो यू सी वन ए टू ए थ्री ए फोर एट द आउटपुट Similarly, when G is 0, the chip is selected, and S is 1, uh, the second input is uh, available at the output. So 1B, 2B, 3B, and 4B is seen at the output. Okay. Let us now have a look at the circuit diagram of a 2 input 4 bit multiplexer. Uh, char OR gate the output pe 1Y, 2Y, 3Y, and 4Y. In Charo, OR gates, input 2 do -do AND gates uh, connect. जो ऊपर वाले एंड गेट्स हैं उनके साथ आपको इनपुट वन ए टू ए थ्री एंड फोर ए नज़र आ रहा है और जो नीचे वाले एंड गेट्स हैं उनके साथ इनपुट आपके आपको नज़र आ रहा है वन बी टू बी थ्री बी एंड फोर बी ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे दो एंड गेट नज़र आ रहे हैं जिनके दोनों इनपुट्स जो हैं उन पर बबल्स हैं सो so बेसिकली ये दोनों नॉर गेट्स हैं जब जी ज़ीरो है एंड एस ज़ीरो है सो so, पहले वाला जो एंड गेट है जिसके दो इनपुट पे बबल्स हैं उसका आउटपुट वन हो जाएगा इससे क्या होगा जो और गेट्स के इनपुट पे एंड गेट लगे हुए हैं टॉप वाले दैट इज़ वन ए टू ए थ्री ए फोर ए वो एक्टिवेट हो जाएंगे सो दैट मीन्स वट एवर द इनपुट एट वन ए टू ए थ्री ए फोर एट वुड बी रूटेड टू द आउटपुट सो इट वुड बी अवेलेबल एट वन वाई टू वाई थ्री वाई एंड फोर वाई रिस्पेक्टिवली इसी तरह अगर जी ज़ीरो है और एस वन है सो टॉप लेफ्ट का जो सेकेंड गेट है वो एक्टिवेट हो जाएगा उसके आउटपुट पे वन आ जाएगा इससे क्या होगा जो और गेट के इनपुट पे जो सेकेंड गेट एंड गेट्स हैं दैट इज़ वन बी टू बी थ्री बी एंड फोर बी वो वाले गेट्स सेलेक्ट हो जाएंगे सो दैट मीन्स सेकेंड इनपुट जो है वन बी टू बी थ्री बी फोर बी वो अवेलेबल हो जाएगा आउटपुट पे वन वाई टू वाई थ्री वाई एंड फोर वाई पे वी हैव लुकड एट ए टू इनपुट फोर बिट मल्टीप्लेक्सर बेसिकली जिसके दो इनपुट हैं चार बिट के और एक आउटपुट uh, है चार बिट का

अस सपोज कि आपकी कोई एक एप्लीकेशन है कोई रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको एट टू वन मल्टीप्लेक्सर चाहिए एट इनपुट्स होने चाहिए और एक आउटपुट होना चाहिए हमने स्टडी किया है फ़ोर टू वन मल्टीप्लेक्सेस एम चिप देखा था जिसमें एक चिप में दो फोर टू वन मल्टीप्लेक्सेस थे हम क्या इन दोनों को जोड़ के एक एट टू वन बना सकते हैं वेल यस वी कैन कैसे बनाएंगे अगर फोर टू वन आपको याद हो उसके ऑफ कोर्स फोर इनपुट्स हैं एक आउटपुट है दो सिलेक्ट इनपुट्स हैं ए एंड बी और एक चिप सेलेक्ट है सो so क्योंकि दो आपके पास फोर टू वन मल्टीप्लेक्स थे दो चिप सेलेक्ट थे जो ए बी सेलेक्ट इनपुट्स हैं वो दोनों को एक साथ जुड़े हुए हैं अब ए टू वन मल्टीप्लेक्सर जो है उसके आठ इनपुट्स हैं तो उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए कितने सेलेक्ट इनपुट्स चाहिए आपको तीन चाहिए सो ए बी सी होना चाहिए अब सी कहाँ से लाएंगे? बेसिकली अगर आप दोनों के चिप सेलेक्ट जो हैं जी जो हैं उनको आपस में कनेक्ट कर लें एक के साथ इन्वर्टर लगा दें और एक को स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी तरह कनेक्ट कर दें और वो जो इनपुट पिन है उसको सी कह दें सो so, बेसिकली ये ए बी सी तीन इनपुट हो जाएंगे सी अगर ज़ीरो है तो जो एक मल्टीप्लेक्सर है पहला वाला जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा अगर सी वन है दूसरा वाला सिलेक्ट हो जाएगा ए और बी यूज़ होंगे जो पहले वाले के चार इनपुट्स हैं और जो दूसरे वाले के चार इनपुट्स हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए अच्छा जो आउटपुट हैं दो, दोनों फ़ोर टू वन मल्टीप्लेक्सेस के वो दो आउटपुट्स हैं अब मल्टीप्लेक्सर का तो एक आउटपुट होना चाहिए तो उधर क्या करेंगे बेसिकली आप एक टू इनपुट और गेट लगाएंगे सो so, दोनों मल्टीप्लेक्सर के जो दो आउटपुट्स हैं वो और गेट के साथ कनेक्ट कर देंगे आपके पास ए टू वन मल्टीप्लेक्सर आ गया 16 टू वन मल्टीप्लेक्सर कैसे बनाएंगे अगेन काफ़ी आसान है आप इस तरह के चार जो हैं फ़ोर टू वन मल्टीप्लेक्सेस कनेक्ट करेंगे कैसे कनेक्ट करेंगे बेसिकली सिक्सटीन इनपुट है तो आपको सिलेक्ट इनपुट सेलेक्ट कितने चाहिए ए बी सी एंड डी चाहिए चार चाहिए आउटपुट ऑफ कोर्स एक होना चाहिए सो so, पहले तो लेट्स से आउटपुट को हम uh, चार को मिला के एक करते हैं कैसे करना होगा बेसिकली एक फोर इनपुट और गेट लेंगे जिनसे चारों इनपुट कनेक्ट कर देंगे और एक आउटपुट आ जाएगा अब जो चार फोर टू वन मल्टीप्लेक्सेज हैं उनके चार चिप सेलेक्ट इनपुट्स हैं जी जो हैं अगर पहले चार इनपुट में से सिलेक्ट करना है तो दैट मीन्स आपने पहला मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट करना होगा अगर नेक्स्ट फोर इनपुट्स में से आपने कोई एक इनपुट सेलेक्ट करना है दैट मीन्स दूसरा आपने सेलेक्ट करना होगा इसी तरह तीसरा या चौथा सो so, पहला दूसरा तीसरा या चौथा ये जो चार मल्टीप्लेक्सेस हैं इनको कैसे सेलेक्ट करेंगे बेसिकली आपको एक डी चाहिए टू टू फोर डी कोडर टू टू फोर डी के इनपुट पे आप दो सिंगल्स देंगे उनको सी एंड डी कह लें अगर सी डी ज़ीरो ज़ीरो है तो डी का आउटपुट क्या होगा जो पहला वाला आउटपुट है वो ज़ीरो होगा या वन होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा अगर आपका डी के इनपुट पे वन वन है तो जो डी का चौथा वाला आउटपुट है वो एक्टिवेट हो जाएगा डी कोडर के जो चार आउटपुट्स हैं वो आप चारों एक एक करके जो चार मल्टीप्लेक्सर के चिप चिप्सेक्ट्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर दें सो नाउ इफ़ सी डी इज़ जीरो जीरो द फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड अब उसके इनपुट्स कैसे सेलेक्ट करेंगे वो ए बी के साथ हो रहे हैं उसमें इफ़ दिस दी इनपुट सी डी इज़ वन वन अब कौन सा मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट होगा चौथा वाला मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट होगा अब ए बी के ए बी से आप उन चारों में से कोई एक इनपुट सेलेक्ट कर सकते हैं so let us have a look at uh, the 8 to 1 multiplexer and 16 to 1 multiplexer let us first have a look at 8 to 1 multiplexer using 2 4 to 1 multiplexers जैसे कि आप देख रहे हैं ab जो inputs हैं वो दोनों multiplexers को uh, select कर रहे हैं उनके inputs को select करते हैं c जो input है एक तो डायरेक्टली आपने आ, जो पहला वाला मल्टीप्लेक्सर है उसके चिप सेलेक्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ और दूसरा जो है थ्रू ए नॉट गेट सेलेक्ट किया हुआ सो so, अगर सी जीरो है तो दैट मींस पहला वाला मल्टीप्लेक्सर जो है जिसके इनपुट्स वन सी ज़ीरो वन सी वन वन सी टू एंड वन सी थ्री हैं वो एक्टिवेट हो जाएगा अगर सी वन है सो पहला वाला जो मल्टीप्लेक्सर है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और सेकेंड वाला जो मल्टीप्लेक्सर है जिसके इनपुट्स हैं टू सी जीरो टू सी वन टू सी टू एंड टू सी थ्री वो एक्टिवेट हो जाएगा पहले वाले मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है वो वन वाई है आउट वन लिखा हुआ है और दूसरे वाला जो मल्टीप्लेक्सर है उसका आउटपुट है टू वाई आउट टू लिखा हुआ है अब क्योंकि मल्टीप्लेक्सर का एक आउटपुट होता है देरफोर यू यूज़ ए टू इनपुट और गेट और दोनों आउटपुट्स जो हैं उस और गेट के थ्रू कनेक्ट करके आपके पास एफ आउटपुट आ रहा है लेट अस हैव है लुक एट द फंक्शन टेबल ऑफ ए टू वन मल्टीप्लेक्सर इनपुट पे आपके पास थ्री कॉलम्स हैं सी बी एंड ए जिस पे आप थ्री बेड कॉम्बिनेशन अप्लाई कर रहे हैं ज़ीरो 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 से लेके वन 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 तक एफ आउटपुट रिप्रेजेंट्स दी आउटपुट ऑफ दी एट टू वन मल्टीप्लेक्सर सो अगर सी बी ए ज़ीरो 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 है तो पहले मल्टीप्लेक्सर का पहला इनपुट सेलेक्ट हो रहा है सो so वो आउटपुट पे आ रहा है वन सी ज़ीरो आउटपुट पे आ रहा है इसी तरह अगर वन ज़ीरो ज़ीरो है सी बी ए वन जीरो ज़ीरो है सो सेकेंड मल्टीप्लेक्सर का पहला आउटपुट टू सी ज़ीरो एक्टिवेट हो रहा है इसी तरह अगर इनपुट सी बी ए जो है वन वन जीरो है टू सी टू इनपुट जो दूसरे मल्टीप्लेक्सर का तीसरा इनपुट है वो सिलेक्ट होके आ रहा है नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए सिक्सटीन इनपुट मल्टीप्लेक्सर सिक्सटी इनपुट मल्टीप्लेक्सर हैज इनपुट्स इट टू मल्टीप्लेक्सेस पहला जो चिप है उसमें दो मल्टीप्लेक्सेस हैं इनपुट्स हैं वन सी जीरो वन सी वन वन सी टू वन सी थ्री और दूसरे मल्टीप्लेक्सर के जो इनपुट्स हैं टू सी ज़ीरो टू सी वन टू सी टू एंड टू सी थ्री दूसरा जो चिप नज़र आ रहा है उसमें दो और मल्टीप्लेक्सेज हैं फोर टू वन सो ऑल टुगेदर आपके पास सोलह इनपुट्स आ रहे है। है, है, हैं ए बी जो हैं दोनों मल्टीप्लेक्सर चिप्स के इकट्ठे कनेक्ट कर दिए हुए हैं एक डी कोटर यूज कर रहे हैं टू टू फोर डी कोटर जिसका एक्टिव हाई इनपुट्स हैं और एक्टिव लो आउटपुट्स हैं टू टू फोर डी कोटर है चार आउटपुट्स हैं चारों आउटपुट्स जो हैं चारों चिप सेलेक्ट्स जो हैं उनके साथ कनेक्ट कर दिया इसी तरह चार मल्टीप्लेक्सर के जो चार आउटपुट्स हैं वो कनेक्ट कर दिए हैं एक फोर इनपुट और गेट के साथ सुनाओ लेटर लेटर सपोज सी डी इज़ ज़ीरो ज़ीरो जी जो है वो एक्टिव लो है दैट मींस डिकोडर सेलेक्ट हो गया सो सी डी अगर ज़ीरो ज़ीरो है तो डिकोडर का पहला आउटपुट जो है वो ज़ीरो होगा बाकी तीनों आउटपुट जो हैं वन होंगे अगर पहला आउटपुट जीरो होगा वो कनेक्ट हुआ हुआ है चिप सेलेक्ट जो है मल्टीप्लेक्सर पहला वाला मल्टीप्लेक्सर उसके साथ सो so सिलेक्ट हो जाएगा बाकी तीनों मल्टीप्लेक्सेस डीएक्टिवेट हो जाएंगे अब ए बी पे डिपेंड करता है अगर ए बी है लेट्स से ज़ीरो ज़ीरो तो पहला इनपुट जो है वो आउटपुट पर आ जाएगा और वो आ, और गेट के एफ़ आउटपुट पर आ जाएगा इसी तरह अगर सी डी जो है वो वन ज़ीरो है इसकी वजह से पहला आउटपुट दूसरा आउटपुट वो वन हो जाएंगे इनएक्टिव हो जाएंगे तीसरा आउटपुट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्टिव लो आउटपुट्स हैं और चौथा आउटपुट जो है वो वन होगा डीएक्टिवेट हो जाएगा तीसरा आउटपुट अगर लो होगा तो तीसरा मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट हो जाएगा उसके आउटपुट पर क्या आएगा इट डिपेंड्स कि ए बी आपने क्या सेलेक्ट किया अगर ए बी वन वन है तो दैट मीन्स तीसरे मल्टीप्लेक्सर का चौथा जो इनपुट है वो अवेलेबल होगा आउटपुट पर सो चौथे इनपुट पर अगर वन है तो आउटपुट पर वन आ जाएगा और गेट जो है उसके साथ आउटपुट uh, कनेक्टेड है सो so और गेट के आउटपुट पे भी वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी दट इज है लुक एट द फंक्शन टेबल ऑफ 16 बिट मल्टीप्लेक्सर द जी इनपुट व्हिच इज द चिप सिलेक्ट इनपुट ऑफ द डी कोडर इफ इट इज सेट टू वन द डी कोडर इज नॉट सिलेक्टेड वेन द डी कोडर इज नॉट सिलेक्टेड नन ऑफ इट्स आउटपुट आर एक्टिव देर फोर नन ऑफ द फोर मल्टीप्लेक्स वुड बी सिलेक्टेड C और D इनपुट्स जो हैं वो डिकोडर के इनपुट्स हैं सो अगर सी डी ज़ीरो हो आ, पहला वाला मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट हो रहा है सो so, आपको आउटपुट पे वन सी ज़ीरो वन सी वन वन सी टू वन सी थ्री आउटपुट्स मिल रहे हैं जो कि पहले मल्टीप्लेक्सर चिप के हैं इसी तरह अगर सी डी जो है वन ज़ीरो हो दैट मीन्स पहले वाले चिप का दूसरा मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट हो रहा है सो टू सी जीरो टू सी वन टू सी टू टू सी थ्री आउटपुट पर आ रहे हैं जो कि पहले वाले चिप के हैं आउटपुट uh, पे कौन सा इनपुट आएगा वो डिपेंड कर रहा है ए एंड बी पे इसी तरह अगर डी का जो इनपुट है सी जो है वो ज़ीरो वन है तो पहला वाला मल्टीप्लेक्सर दूसरे वाले चिप का वो सेलेक्ट होगा तो आउटपुट पे आपको वन सी जीरो वन सी वन वन सी टू एंड वन सी थ्री मिल रहे हैं और इसी तरह अगर डी का इनपुट जो सी है वो वन वन है तो दूसरे वाले चिप का दूसरा मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट हो रहा है आउटपुट पे आपको 2C0, 2C1, 2C2 एंड 2C3 में से कोई एक इनपुट मिलेगा डिपेंड करता है कि ए बी पे क्या है आइए एक आखिरी एग्जांपल देखते है, quantities. Quantities हैं मल्टीप्लेक्सेज़ की लेट सपोज यू हैव टू क्वांटिटीज, बोथ क्वांटिटीज आर एट बिट क्वान्टिट्टीज़ बेसिकली दो बाइट वैल्यूज़ हैं उनमें से एक को आपने सेलेक्ट करना है और किसी एक दूसरे सर्किट के इनपुट पर आपने भेजना है उसको रूट करना है सो so, आपको किस किस्म का मल्टीप्लेक्सर चाहिए बेसिकली आपको टू इनपुट एट बिट मल्टीप्लेक्सर चाहिए सो लेट्स से क्वांटिटी ए जो है वो इनपुट ए पे अप्लाई करेंगे क्वांटिटी बी जो है वो इनपुट बी पे अप्लाई करेंगे उनमें से जो भी आपने क्वांटिटी आगे आउटपुट पे भेजनी है वो सिलेक्ट कर लेंगे हमने जो है टू इनपुट फोर बिट मल्टीप्लेक्सर पढ़ा है सो टू इम्प्लीमेंट इट टू इनपुट एट बिट मल्टीप्लेक्सर टू ऑफ दीज मल्टीप्लेक्सेज हैव टू बी कनेक्टेड टुगेदर कनेक्शंस कौन से कनेक्शंस करेंगे आप बेसिकली जो दोनों का सिलेक्ट इनपुट है एक ही सिलेक्ट इनपुट है क्योंकि दो इनपुट हैं तो अगर सिलेक्ट इनपुट ज़ीरो होगा तो इनपुट ए सिलेक्ट हो जाएगा सिलेक्ट इनपुट बी जो है अगर वन है तो इनपुट बी सिलेक्ट हो जाएगा तो दोनों मल्टीप्लेक्सेस के सिलेक्ट इनपुट्स जो हैं इकट्ठे जोड़ते हैं आप अगर ज़ीरो होगा तो पहले मल्टीप्लेक्सर का जो फोर बिट इनपुट ए है वो सिलेक्ट हो जाएगा और दूसरे मल्टीप्लेक्सर का फोर बिट इनपुट ए जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा इसी तरह अगर सेलेक्ट इनपुट वन है तो दोनों बी जो इनपुट्स हैं चार बेट पहले वाले के चार बेट दूसरे वाले के वो दोनों इकट्ठे सेलेक्ट हो जाएंगे आउटपुट uh, को अपने आपस में कुछ और गेट के साथ कनेक्ट करना है कि नहीं बेसिकली उधर आउटपुट पे कोई uh, और गेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आउटपुट पे आपको एट बिट्स मिल रहे हैं तो पहले चार बिट्स जो हैं वो पहले मल्टीप्लेक्सेस से मिल रहे हैं दूसरे जो चार बिट्स हैं वो दूसरे मल्टीप्लेक्सेज से मिल रहे हैं लेट अस हैव है लुक एट सर्किट डायग्राम ऑफ ए Input 8 bit multiplexer. The circuit diagram of the 2 input 8 bit multiplexer is shown. There are 2 chips, uh, the select input of both the chips is connected together. So, when select is 0, the input A of both the ch chips is selected, when S is 1, the input B of both the chips is selected and it is available at the output. In order to activate both the chips, uh, the select input, the chip select input. Of both the chips has to be activated. So, the chip select input G of both the chips is connected together. Uh, when G is set to 0, both chips are activated. When it is set to 1, both chips are deactivated. Let us now have a look at the applications of a multiplexer. There are several uh, very interesting applications. Uh, पहली एप्लीकेशन जो है अभी तक हम बात करते आ रहे हैं डाटा रूटिंग की बेसिकली आपके पास सेवरल इनपुट्स हैं उनमें से एक इनपुट सेलेक्ट करेंगे जो भी डाटा है वो आउटपुट पे चला जाएगा दूसरी एक एग्जांपल हम देखेंगे पैरल टू सीरियल कन्वर्जन पैरल डाटा है बाइट फॉर्म में है उसको आपने किसी रिमोट लोकेशन पर ट्रांसमिट करना है तो उसको सीरियल फॉर्म में करना होगा मल्टीप्लेक्सर उधर यूज़ हो सकता है फंक्शन जनरेटर फंक्शन जनरेटर जब हमने डी कोडर uh, किया था पढ़ रहे थे उसमें भी हमने देखा था कि डी कोडर को आप कन्फिगर कर सकते हैं टू जनरेट जनरेटन फंक्शन इसी तरह मल्टीप्लेक्सर को भी यूज़ कर सकते हैं एक रूल फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए लास्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे ऑपरेशन सीक्वेंसिंग तो ऑपरेशन सीक्वेंसिंग जब uh, करेंगे उस वक्त हम मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा सो लेट अस स्टार्ट बाय लुकिंग एट द डाटा रूटिंग एस्पेक्ट ऑफ द मल्टीप्लेक्सर नाउ कंसीडर ए टू डिजिट डिस्प्ले सर्किट लेट्स से आपके पास एक काउंटर है जिसके दो डिजिट्स हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं सेवन सेगमेंट्स पे। सर्किट बेसिकली कैसे बनेगा आपके पास दो तो डिजिट होने चाहिए दो सेवन सेगमेंट डिजिट होने चाहिए और दोनों के इनपुट पे कौन सा सर्किट होगा बेसिकली बी सी डी टू सेवन सेगमेंट डी सो हर uh, दो डिजिट के साथ दो ही बी सी डी टू सेवन सेगमेंट डी सर्किट्स होंगे लेट्स से आपने 28 डिस्प्ले करना है सो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो डिजिट है उसके बी सी डी टू सेवन सेगमेंट डी के इनपुट पे आप बी सी डी टू अपलाई करेंगे जो कन्वर्ट होकर अप्रोप्रेट सेगमेंट्स ऑन कर देगा एंड यू वुड सी दी डिजिट टू इसी तरह जो एट आपने डिस्प्ले करना है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पर उसके बी सी डी टू सेवन सेगमेंट डी के इनपुट पर आप एट अप्लाई करेंगे आपको आठ जो है एट नज़र आ जाएगा uh, जो सेवन सेगमेंट डिस्प्ले है लेट सपोज कि आपने एक डिजिटल uh, क्लॉक बनानी है डिजिटल क्लॉक में दो डिजिट तो बताएंगे आवर्स और दो डिजिट्स बताएंगे मिनट्स तो आपके पास चार सेवन सेगमेंट डिस्प्लेस होने चाहिए और इन चारों के इनपुट्स पे चार बी सी डी टू सेवन सेगमेंट डी कोटर सर्किट्स होने चाहिए ना यू कैन इम्प्लीमेंट द सेम फोर डिजिट डिस्प्ले यूनिट यूजिंग ए मल्टीप्लेक्सर एंड सिंगल बी सी डी टू सेवन सेगमेंट डी कोटर बेसिकली कैसे होगा वो हम देखते हैं अभी सर के डायग्राम देखते हैं उसमें पर इससे पहले ज़रा जो सेवन सेगमेंट डिस्प्ले है उसको समझना ज़रूरी है दो टाइप के सेवन सेगमेंट डिस्प्लेस होते हैं कॉमन कैथोड एंड कॉमन एनोड कॉमन कैथोड क्या है बेसिकली अगर आप सेवन सेगमेंट डिस्प्ले को देखें उसमें सेवन सेगमेंट्स हैं और वो एल सात एल से बने हुए हैं उन सारे एल के अगर कैथोड आप कॉमन कनेक्ट uh, कर दें और उसको ग्राउंड कर दें और किसी एक एल uh, को जलाना है तो दूसरे एंड पे अगर आप फाइव वोल्ट देंगे तो वो सेगमेंट ऑन हो जाएगा सो so, अगर सारों के कैथोड्स कॉमन है इसको आप कहेंगे कॉमन कैथोड डिस्प्ले यूनिट सेवन सेगमेंट डिस्प्ले यूनिट इसी तरह दूसरी जो कॉन्फ़िगरेशन है अगर सारों के सात जो सेगमेंट्स हैं सात जो एल हैं उन सारों के एनोड्स अगर कॉमन करते हैं तो उसको यूज़ करने के लिए आपको उस कॉमन पॉइंट पे प्लस फाइव वोल्ट अप्लाई करना पड़ेगा किसी सेगमेंट को अगर आपने ऑन करना है दूसरे एंड पे आपने जीरो अप्लाई करना पड़ेगा इसको कहेंगे आप कॉमन एनोड लेट लेटस है लुक एट टू डिजिट डेसिमल डिस्प्ले सर्किट यू सी टू सेवन सेगमेंट डिस्प्लेज Each 7 segment display is connected to a BCD to 7 segment decoder. So, the most significant display is connected to the uh, most uh, significant BCD to 7 segment decoder, and the least significant 7 segment display is connected to another uh, BCD to 7 segment decoder. The output of both the decoders are connected to the uh, respective segments of both the digits. So, to display any 2 digit number, the 2 digits are applied at the inputs of the 2 BCD to 7 segment decoders. The appropriate output segments are activated and the two, uh, the two digit number is displayed on the two digit uh, display, uh, displays. Uh, let us now have a look at the common anode and common cathode seven segment displays. The figure on the left shows the common anode. Uh, the anodes, the anodes of all the seven segments, are connected together and to use this particular seven segment display the common anode has to be connected to plus 5 volt in order to display the digit 7 segment a b and c have to be activated so the input a b and c have to be connected to ground or 0 volts d e f and g have to be connected to 5 volts Similarly, looking at the circuit on the right hand side, which is a common cathode circuit, all the cathodes of the 7 segments are connected together. In order to use this circuit, the common cathode has to be connected to the ground and the inputs are applied at the segments A, B, C, D, E, F, and G. So, to display the number 7, segment A, B, and C has to be activated. Since this is a common cathode, therefore, A. B and C has to be connected to logic 1 or 5 volts. Segments D, E, F, and G would be connected to 0. We have looked at the common cathode and common anode uh, 7 segment displays. Now, let us have a look at the implementation of the 2 digit display circuit using a multiplexer. बेसिकली दी मल्टीप्लेक्सर इज़ बीग यूज्ड एज ए डाटा रूटिंग यूनिट एक इनपुट पे दो नंबर्स हैं मल्टीप्लेक्सर के उनको रूट कर रहे हैं आउटपुट पे सर्किट क्या होगा बेसिकली एक बीसीडी टू सेवन सेगमेंट डिकोडर होगा उसके इनपुट पे एक टू इनपुट फोर बेड मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ सो इनपुट ए पे फोर बिट इनपुट ए जो है उस पर एक डिजिट आप अप्लाई करेंगे इनपुट बी जो है फोर बिट इनपुट बी जो है उस पर सेकेंड डिजिट आप अप्लाई करेंगे सो लेट्स से 28 डिस्प्ले करना है ए इनपुट पे टू होगा बी इनपुट पे एट होगा ना इफ दी बी सी डी टू सेवन सेगमेंट डी को हैज़ एक्टिव हाई आउटपुट्स तो आप किस किस्म का डिस्प्ले सेवन सेगमेंट डिस्प्ले कनेक्ट करेंगे कॉमन कैथोड होगा या कॉमन एनोड होगा वेल well, अगर बी सी डी का आउटपुट जो है एक्टिव हाई है दैट मीन्स किसी सेगमेंट को ऑन करने के लिए वो फाइव वोल्ट भेज रहा है या लॉजिक वन भेज रहा है सो दैट मीन्स कॉमन कैथोड डिस्प्ले यूनिट इस्तेमाल करना पड़ेगा सो कॉमन कैथोड डिस्प्ले यूनिट को एक्टिवेट कैसे करेंगे जिस तरह हम ये कह रहे थे कि डिफरेंट चिप्स को आप एक्टिवेट करते हैं बाय सेलेक्टिंग दी इनेबल लाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर चिप उसको एक्टिवेट करते हैं वो चिप एक्टिवेट हो जाता है सो कॉमन कैथोड जो डिस्प्ले है सेवन सेगमेंट डिस्प्ले उसको एक्टिवेट कैसे करेंगे अगर वो जो कॉमन कैथोड है उसको ग्राउंड पे कोनेक्ट कर दें अगर वो हाई होगा तो वो डिसेबल हो जाएगा ना लुकिंग एट दर्किट इन ऑर्डर टू डिस्प्ले टू यू वुड सेलेक्ट दी इनपुट ए ऑफ द मल्टीप्लेक्सर यूजिंग द सेलेक्ट इनपुट लाइन वही सिलेक्ट इनपुट लाइन जो है वो कनेक्ट हो रही है कॉमन कैथोड को पहला जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है इसी तरह जो सेकेंड डिजिट uh, है द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट उसको भी वो सेलेक्ट लाइन कोनेक्ट हो रही है थ्रू एन इन्वर्टर इन नॉट गेट सो अगर आप वन अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा इनपुट बी मल्टीप्लेक्सर का सिलेक्ट होगा और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो सिलेक्ट होगा तो उस पर डिस्प्ले हो जाएगा सो so, आपने बारी बारी क्या करना है एक दफ़ा आप मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को सिलेक्ट uh, करेंगे सेलेक्ट इनपुट के साथ दैट मीन्स इनपुट ए सिलेक्ट हो जाएगा और वो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पे डिस्प्ले हो जाएगा अगर आप सिलेक्ट इनपुट को वन कर देंगे इनपुट बी सिलेक्ट हो जाएगा और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट साथ में मेंलेक्ट हो जाएगा तो उस पर डिस्प्ले हो जाएगा तो ये बारी बारी आपने रेपिडली करना है ताकि आपको दोनों डिजिट्स एट ए टाइम नजर आएँ लेट हैव ए लुक एट दी सर डायग्राम ऑफ द मल्टीप्लेक्स बेस्ड Uh, 2 digit display circuit. A 2 digit de decimal display uh, circuit using a multiplexer is shown. A single 2 uh, bit 4 input multiplexer is connected to a BCD to 7 segment decoder. The outputs of the BCD to 7 segment decoder are all active high. Two common cathode 7 segment displays are connected. Uh, the 7 segments of both the displays are connected to the outputs of the BCD to 7 segment decoder. The select input of the 2 bit uh, 4 input multiplexer is connected to the common cathodes of both the uh, 7 segment displays. The most significant uh, display is connected uh, directly to the select input, whereas the least significant uh, display, uh, the common cathode of the least significant uh, display unit, is connected through the NOT gate. Now, let us assume that select uh, input is set to 0. This means that input A, the number applied at input A, would be made available at the output of the multiplexer. The BCD to 7 segment decoder would convert that into the appropriate segments. That information would be available at both the 7 segment dis uh, displays. Now, since the select input is 0, therefore, the most significant 7 segment display is activated whereas the least significant uh, 7 segment display is uh, disabled. Therefore, the number would be displayed on the most significant digit. When the select input is set to 1, the B input is selected, it is available at the output of the multiplexer, the BCD to 7 segment decoder would convert it into appropriate segments. That information is available at both the 7 segment displays. Since the select input is 1, therefore, through the inverter, the common cathode of the least significant digit is activated or set to ground, whereas the common cathode of the most significant digit is set to high, therefore, it is deactivated. So, the information at input B of the multiplexer is displayed on the least significant digit in order to display both the digits continuously the select input has to be changed rapidly from 0 to 1 the multiplexer based uh, display circuit can be expanded to four digits or six digits a single multiplexer would be used with appropriate number of inputs a single bcd to seven segment uh, decoder would be used now if it's a four digit display four inputs would be applied at the four inputs of the multiplexer and the multiplexer inputs have to be rapidly switched so a select toga b per c per d a b c d or a c sequence which is so you would see all the four digits displayed on the four digit uh, display circuit now let us have a look at another application of the multiplexer uh, parallel to serial conversion आपको शो में याद होगा हमने बात की थी पैरिटी बेट्स जनरेट करने की हमने ये कहा था कि अगर आपके पास कुछ इनफॉर्मेशन है जो एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं तो उसमें कुछ गलती हो सकती है बेट वन ज़ीरो हो सकती है ज़ीरो वन हो सकती है तो उसके साथ आपने पैरिटी बेट लगानी है बेसिकली जब आप लॉन्ग uh, डिस्टेंसेज पे कोई चीज़ आप भेजना चाह रहे हैं ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं मैसेज तो आप पैरल फॉर्म में नहीं भेजेंगे उसको सीरीज़ में कन्वर्ट करेंगे जनरली आपके जितने भी डिजिटल सिस्टम्स हैं कंप्यूटर्स जो हैं वो पैरल डाटा के साथ प्रोसेसिंग कर रहे हैं स्टोर करते हैं प्रोसेसिंग जो है पैरल डाटा में हो रही है फॉर एग्जांपल आपका बाइट वैल्यू है बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एट बिट्स जो पैरल में हैं बाइट स्टोर भी एज ए बाइट फॉर्म में होगा आठ बिट्स जो हैं पैरल में स्टोर होंगी उनकी प्रोसेसिंग जो है हैलत से ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है वो आठ बिट्स एट ए टाइम ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी अगर आपने ये आठ बिट इंफॉर्मेशन जो है रिमोट लोकेशन पे भेजनी है तो आपको आठ वायर्स चाहिए होंगी तारें चाहिए होंगी तो हर एक तार पे एक बिट भेज रहे होंगे अगर आपके पास एक सिक्सटीन बिट वैल्यू है तो आपके पास सिक्सटी वायर्स होने चाहिए ना ये जो सिक्सटीन वायर या एट वायर का एक कम्युनिकेशन लिंक जो है ये प्रैक्टिकल नहीं है मतलब आप आठ तारें भेजेंगे एक एंड से दूसरे एंड तक या सोलह तारें भेजेंगे ज़्यादा एक्सपेंसिव है जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वो सीरियली डाटा भेजते हैं सो so बेसिकली आपके पास एक डिजिटल डाटा जो पैरल फॉर्म में उसको सीरीज़ में चेंज करना होगा और सीरीज़ में करके वन बिट एट ए टाइम आपने ट्रांसमिट करना है सो अब पैरल डाटा को लेट्स से एक बाइट डाटा है उसको सीरियल डाटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे लेट इन सपोज यू हैव एन एट इनपुट मल्टीप्लेक्सर एट इनपुट है और एक आउटपुट है आपके पास जो इन्फॉमेशन भेजनी है वो लेट अस सपोज़ इट्स वन 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 जीरो ज़ीरो जीरो ज़ीरो चार वन एंड चार ज़ीरोज हैं वो आप कहाँ अप्लाई करेंगे एट टू वन जो मल्टीप्लेक्सर उसके इनपुट पे अब इस एट टू वन मल्टीप्लेक्सर के जो सेलेक्ट लाइंस हैं वो कितनी होंगी बेसिकली तीन होंगी क्योंकि आठ में से एक आपने सेलेक्ट करना है सो लेट सपोज आपकी जो तीन सेलेक्ट इनपुट लाइंस हैं उस पर एक थ्री बेड काउंटर आप अटैच करना है काउंटर को आप इनिशलाइज़ करते हैं तो काउंटर का आउटपुट क्या होगा ज़ीरो 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 होगा ज़ीरो 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 से कौन सा इनपुट मल्टीप्लेक्सर का सिलेक्ट होगा जो पहला वाला इनपुट है वो सिलेक्ट हो जाएगा उस पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके आउटपुट पर आ जाएगी लेट्स से वन मिली सेकेंड के बाद वो काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा है अब इंक्रीमेंट हो के काउंटर के आउटपुट पर क्या आएगा ज़ीरो ज़ीरो वन अब जीरो जीरो वन क्योंकि सिलेक्ट लाइन्स जो हैं मल्टीप्लेक्सर की तीन उसके साथ कनेक्टेड है अब क्या होगा जो नेक्स्ट वाला इनपुट है जो दूसरा इनपुट है वो सिलेक्ट हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर का अब उस पर जो इन्फॉमेसन है वो आपके पास आउटपुट पर आ जाएगी अब दूसरे मिली सेकेंड के बाद फिर क्या होगा काउंटर दोबारा से इंक्रीमेंट करेगा अब जो नेक्स्ट वैल्यू है वो जो है थर्ड इनपुट जो है मल्टीप्लेक्सर का उसको सिलेक्ट करेगा उस पर जो भी वैल्यू होगी वो आउटपुट पे आ जाएगी सो आठ मिली सेकेंड के बाद बारी बारी जो आठ इनपुट्स हैं मल्टीप्लेक्सर के वो सिलेक्ट हो रहे हैं और उन पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आउटपुट पे आ रही है सो बेसिकली यू स्टार्टेड विद एन ए बाइट वैल्यू एट बिट पैरल वैल्यू जिसको आपने सीरियल वैल्यू में चेंज कर दिया इसमें सो so ये आठ पेट्स जो हैं ये ट्रांसमिट हो जाएंगे दूसरी रिमोट लोकेशन पे उधर आप दोबारा से इसको पैरल में कन्वर्ट करेंगे उसमें सो लेट अस हैव ए लुक एट दिस सर्किट व्हिच चेंजेस और एट कन्वर्ट्स दिस पैरल डाटा इनटू सीरियल डाटा The parallel to serial conversion circuit is shown. An 8 to 1 multiplexer is used. The inputs, the 8 inputs, are connected to the information 11100101. The enable input of the multiplexer is activated, it is set to 0, so the chip is selected. A 3 bit counter is connected to the 3 select inputs of the multiplexer. So, the counter C2 is connected to the uh, select input A2. Similarly, the counter output C1 and C0 are connected to A1 and A0 select inputs of the multiplexer, respectively. Uh, the output of the multiplexer is connected to the serial transmission line. So, the parallel information is going to be available at the output one bit at a time. A clock is applied to the counter input. So, let us assume that the clock increments after every 1 millisecond. So, initially the circuit is reset, the output C0, C1, C2 is 000. The I0 input of the multiplexer is selected. What is the data at the input? It is 1. So, 1 would be available at the output, basically, 1 is transmitted. In the next millisecond, the counter output would be 1. Zero, 0, C0 is 1, C1 and C2 are both 0s. This would select I1 input of the multiplexer. At I1 input of the multiplexer, we have the data value 1 or bit 1, which is uh, routed to the output. So, again, another 1 is transmitted. Similarly, in the 8 uh, time periods starting from 0, 0, 0 and ending at 1, 1, 1. The 8 values 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1 are transmitted one after the other. Let us have a look at the timing diagram of the parallel to serial conversion circuit. C0, C1, C2 indicate the outputs of the counter. So, they are incrementing from 0 to 1, 2, 3, 4, and 7. The Y output shows the output of the multiplexer. So, during time interval 0, uh, or the first uh, millisecond input one is selected so the output at uh, output y of the multiplexer is one similarly for intervals one and two the output is one for intervals three and four the output is zero and similarly for intervals five six and seven the output is one zero one we have looked at the use of the multiplexer to convert parallel data to serial data for onward transmission एक और जो इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है मल्टीप्लेक्सर की इट इज़ यूज एज ए फंक्शन जनरेटर हमने जब डी स्टडी किए थे उसमें भी हमने देखा था डी को आप यूज़ कर सकते हैं टू जनरेट ए फंक्शन टू इम्प्लीमेंट ए फंक्शन मल्टीप्लेक्सर से कैसे करेंगे लेट एस एज्यूम दैट यू हैव ए थ्री वेरिएबल बोलियन फंक्शन ए बी एंड सी उसमें तीन मिनटम्स हैं एक जो है मिनटम जीरो है एक मिनटम थ्री है और एक मिनटम सेवन है सो बेसिकली मिनटम ज़ीरो जो है ए बार बी बार सी बार मिनटम जो थ्री uh, है वो होना चाहिए ए बार बी सी और मिनटम सेवन जो है ए बी सी होना चाहिए सो so, अगर एस ओ पी फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे ये तीन प्रोडक्ट टर्म्स आएंगी। जब भी इन तीनों में से कोई मिनटम प्रेजेंट होगा आउटपुट जो है फंक्शन का वन होना चाहिए अगर आप मल्टीप्लेक्सर यूज़ करेंगे तो कैसे इम्प्लीमेंट होंगी थ्री टू बेसिकली एट इनपुट मल्टीप्लेक्सर आप यूज़ कर रहे हैं मिन टर्म जीरो जो है इनपुट जीरो जो पहला वाला इनपुट है उस पर आपने वन कनेक्ट कर देना इसी तरह जो टर्म इनपुट थ्री है मिन टर्म थ्री जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पर भी आपने वन कनेक्ट कर देना इसी तरह जो आखिरी वाला इनपुट है सेवन इनपुट है उस पर भी वन आपने इनपुट कनेक्ट कर देना बाकी इनपुट्स पे ज़ीरो आप कनेक्ट कर रहे हैं है। अब आउटपुट क्या आएगा डिपेंड कर रहा है कि आपने कौन सा इनपुट सेलेक्ट किया say, A, B, C, uh, है लेट से आप ए बी सी जो सेलेक्ट इनपुट लाइंस हैं उन पे आप ज़ीरो 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 अप्लाई करते हैं सो so, पहला इनपुट सेलेक्ट होगा आउटपुट पे क्या आएगा वन आ जाएगा लेट्स से आप जो सेलेक्ट इनपुट पे आप अप्लाई कर रहे हैं ज़ीरो वन जीरो टू टू इनपुट सेलेक्ट होगा उस पर क्या आपने कनेक्ट किया हुआ बेसिकली जीरो कनेक्ट किया हुआ आउटपुट पे ज़ीरो आ जाएगा सो दैट मीन्स ये मिनटर्म जो है उस फंक्शन में इंक्लूडेड नहीं है सो दैट मीन्स किसी भी फंक्शन को जो स्टैंडर्ड एस ओ पी फॉर्म है उसके जो टर्म्स प्रेजेंट है वो कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट्स की जो मल्टीप्लेक्सर के इनपुट्स हैं उधर वनज आप लगा देंगे जो टर्म्स एबसेंट हैं कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लेक्सर के इनपुट्स पे जीरो आप कनेक्ट कर देंगे लेट्स हैव हैवे लुक एट द सर्किट विच इम्प्लीमेंट्स दिस फंक्शन हैव हैवे लुक एट द थ्री वेरिएबल लॉजिक फंक्शन टेबल द इनपुट्स आर ए बी एंड सी द आउटपुट इज वाई The minterms 000, 001, 010, 101, 111 are present. They are marked by ones at the output. So minterm 0, minterm 1, minterm 2, minterm 5, and minterm 7 are present. Now, how is this function implemented using a multiplexer? An eight-input multiplexer is selected. The eight inputs are connected to 11100101. Uh, these inputs represent the output of the function as seen in the function table. The enable input is uh, set to 0 to activate the chip. The select inputs uh, a2, a1, a0 are connected to the three variables a, b, and c. Now, if the a, b, c inputs are set to 0, 0, 0, the first input i0 is selected, which is connected to 1. The output y would be uh, giving a 1. Similarly, if ABC inputs are set to 001, I1 input is selected, I1 input is uh, connected to 1, the output would again be a 1. Uh, let us suppose the ABC inputs are connected to or set to 110, 110 would select the second last input I6. Now, I6 is connected to 0, so the output would be a 0.

लास्ट एप्लीकेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है ऑपरेशन सीक्वेंसिंग कोई भी आप काम करते हैं वो आप स्टेप्स में करते हैं पहला एक स्टेप करेंगे जब वो खत्म हो जाएगा देन यू स्टार्ट विद दंड स्टेप सेकेंड स्टेप जब खत्म होगा तीसरा स्टेप करेंगे उसके बाद चौथा पाँचवा एंस वन हर स्टेप की जो ड्यूरेशन है वो डिफरेंट हो सकती है लट्स से पहला जो स्टेप है 10 मिनट ड्यूरेशन का है दूसरा जो है 2 मिनट का है तीसरा 15 मिनट का इंस वन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस भी जो है इसी तरह स्टेप्स में होते हैं सपोज वी हैव ए जूस मेकिंग फैक्ट्री सो पहले स्टेप में आपने जूस एक्सट्रैक्ट करना है सेकेंड स्टेप में लेट अस सपोज कि वो जूस एक वेसल में डाल के उसको बॉयल करना है उसमें तीसरे स्टेप में उसमें कुछ स्वीटनेस डाले प्रिजर्वेटिव डालने हैं ताकि वो शेल्फ़ लाइफ उसकी इंक्रीज हो जाए और चौथे स्टेप में लट से उसको पैकेज करना है तो ये फ्रूट जूस बनाने के लिए आपको चार स्टेप में से गुजरना होगा जब तक पहला स्टेप नहीं कंप्लीट होता आप दूसरा नहीं स्टार्ट कर सकते इस तरह दूसरा नहीं कंप्लीट होता तीसरा नहीं कर सकते एंड एंडसोन so हर स्टेप की जो ड्यूरेशन है वो मुख्तलिफ है वो डिपेंड करती है क्वान्टिटी पे लेट्स सपोज आप पहले बैच में वन टन फ्रूट है तो आपको आधा घंटा लगता है जूस एक्सट्रैक्ट करने में दूसरा बैच जो है उसमें आधा टन है तो आपको पंद्रह मिनट लगेंगे सो so, जो हर स्टेप की जो ड्यूरेशन है वो भी वेरी कर रही है ड्यू टू डिफरेंट कंडीशंस ना हाउ वुड यू कंट्रोल दिस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जिसकी ड्यूरेशन भी चेंज हो रही है और दूसरा जो अगला जो स्टेप है वो पहला जब तक स्टेप कंप्लीट नहीं होगा दूसरा आप स्टार्ट नहीं कर सकते उसमें वी आर गोइंग टू बी लुकिंग एट एन एग्जांपल व्हिच सिम्यूलेट्स ए फोर स्टेप प्रोसेस चार स्टेप्स होंगे डिफरेंट ड्यूरेशन के बेसिकली इस सर्किट में हम यूज़ कर रहे हैं एक डिकोडर यूज़ कर रहे हैं और एक मल्टीप्लेक्सर यूज़ कर रहे हैं और एक काउंटर यूज़ कर रहे हैं काउंटर जो है टू बिट काउंटर है सो so वो काउंट करता है ज़ीरो जीरो जीरो वन वन ज़ीरो एंड वन वन तक काउंटर जो आउटपुट है वो कनेक्टेड है एक टू टू फोर डी के सो so, काउंटर जब जीरो ज़ीरो होगा डीकोडर uh, का आउटपुट uh, पहला जो आउटपुट है वो एक्टिवेट हो जाएगा जब काउंटर का आउटपुट जीरो होगा दूसरा आउटपुट डीकोडर का सिलेक्ट हो जाएगा एनस वन so जो काउंटर का आउटपुट है वो अगेन मल्टीप्लेक्सर के सिलेक्ट लाइंस के साथ भी कनेक्टेड है सो so, आप फोर इनपुट मल्टीप्लेक्सर यूज़ कर रहे हैं सो so, जब काउंटर का आउटपुट ज़ीरो ज़ीरो है पहला इनपुट सेलेक्ट हो रहा है उस पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आउटपुट पे आ रही है इसी तरह जब वो काउंटर का आउटपुट ज़ीरो वन हो जाएगा अब सेकेंड इनपुट मल्टीप्लेक्सर का यूज़ कर रहे हैं उस जो इनपुट पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आउटपुट पे आ रही है एंड सो ऑन ना जो डी का आउटपुट है वो चार आउटपुट्स हैं तो चारों आउटपुट्स जो हैं वो चार प्रोसेस को या चार स्टेप्स जो हैं जिसमें एक प्रोसेस चल रहा है उनको एक्टिवेट करते हैं हर प्रोसेस में कोई ना कोई मशीन होगी जो ये काम कर रही लत से फ्रूट एक्स्ट्रैक्शन जूस एक्सट्रैक्शन का एक मशीन है जिसको ऑन करना है वो एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देगी सो so, डी जो चार आउटपुट्स हैं वो हर प्रोसेस में जो मशीनस लगी हैं उनको एक्टिवेट कर रहे हैं वन एट ए टाइम सो जब काउंटर ज़ीरो ज़ीरो है डिकोडर का पहला आउटपुट एक्टिवेट हुआ उसने प्रोसेस वन में जो भी मशीन है उसको एक्टिवेट कर दिया अब प्रोसेस वन जो है या स्टेप वन जो है कब ख़त्म होगा जब भी जो भी मशीन चल रही थी उसने काम करना ख़त्म कर दिया तो इट वुड सेंड आउट ए सिग्नल वो सिग्नल कौन रिसीव कर रहा है बेसिकली मल्टीप्लेक्सर जो हमने लगाया हुआ है उसका पहला इनपुट हमने सेलेक्ट किया हुआ है so, सो पहले प्रोसेस का जो आउटपुट है वो पहले इनपुट पे कनेक्टेड है मल्टीप्लेक्सर के जो ही वो एक्टिवेट होगा आउटपुट पे हमारे पास एक वन ही एक्टिव लॉजिक लेवल आ जाएगा वो जो आउटपुट है वो कनेक्टेड है काउंटर के क्लॉक इनपुट पर सो जो ही वो वन आया काउंटर जो है वो इंक्रीमेंट कर जाएगा नेक्स्ट स्टेप पर नेक्स्ट स्टेप पर इंक्रीमेंट करने से क्या होगा डी जो है उसका सेकेंड आउटपुट सेलेक्ट हो जाएगा जो सिलेक्ट कर लेगा दूसरे प्रोसेस को इसी तरह जब दूसरा प्रोसेस चलेगा वो जब ख़त्म होगा उसके आउटपुट पे एक एक्टिव लॉजिक लेवल आएगी मल्टीप्लेक्सर का सेकंड इनपुट अब सिलेक्ट हो गया हुआ है क्योंकि काउंटर जो है आपका इंक्रीमेंट हो गया हुआ है सो मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट पे वो एक्टिव लेवल आएगी वो अगेन काउंटर को इंक्रीमेंट करेगी वो तीसरे स्टेप पर चले जाएगा एंड एनसन Let us have a look at the circuit which implements this operation sequencing using uh, a multiplexer, a decoder, and a counter. Let us have a look at the circuit diagram representing the control of a manufacturing process through operation sequencing. We have used a 2 bit counter which has 2 outputs C0 and C1. It has a clock input. So, each time the clock input is activated, the counter increments to the next higher count. Initially the two bit counter is reset to 0 zero. The output of the two bit counter c0 c1 is connected to the select input of the 4 2 1 multiplexer m0 and M1 and similarly c0 c1 output of the counter is connected to d0 and d1 of the 2 to four decoder. The four uh, steps or the four processes are defined by the blocks process one, process 2, process three and process 4. Each process is activated when it receives an active high signal from the decoder. Similarly, each process ends when it activates a signal at the output. The signal is active high. Now consider the operation sequence. The two-bit counter is reset, the output C0, C1 are both set to 00. The output 00 selects the first input of the multiplexer I0. To be available at the output of the multiplexer. Similarly, the counter 00, the counter information 00, selects the first output of the decoder Y0. As soon as Y0 is activated, process 1 starts. Now, process, process 1 might uh, execute for 30 minutes. At the end of the 30 minutes, process 1 would activate its output. Since I0 is connected to the output of process 1, therefore, the output of the multiplexer would have a 1. When the process 1 is executing, the output is 0, therefore, the output of the multiplexer would have a logic 0 value. So, as soon as process 1 ends, the output of the multiplexer sets to 1, which increments the counter to the next higher value, which would be 0, 1. Now, 0, 1 selects the input I1 of the multiplexer, similarly, the decoder. Output Y1 is selected. Therefore, process 1 has stopped, process 2 is selected, it is activated. Process 2 might execute for 10 minutes. As soon as process 2 completes, it activates its output to 1. The output, the active high output, is available at the output of the multiplexer, which again increments the 2 bit counter to the next higher value, which again selects Y2 output of the decoder. And I2 input of the multiplexer. Similarly, process 3 might run for 20 minutes. As soon as it ends, it sets its output to 1. The output is available at the output of the multiplexer, which again increments the counter for the last time. The counter output is set to 1 1. This activates Y3 output of the decoder, which selects process 4. Process 4 it runs, let us suppose, for 10 minutes. As soon as it uh, completes, the output is set to 1. The output of the multiplexer is also set to 1, the counter is again incremented to zero, 0, and the process is completed. We have looked at the applications of the multiplexer. Ek last topic rage, demultiplexer jo and the uh, lecture maker Till the next lecture, pudhaaf is alaikum.